हम लिखेंगे आयोटा की ताकत 6 ज़र्ब आयोटा, जो हफ्ते में तब्दील करने है। तो आयोटा 2 की ताकत कितना आता है? 3, 6 के बराबर तो यहाँ पे आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर, तो हम लिखेंगे -1 की ताकत 3 ज़र्ब आयोटा। तो -1 ताकत 3 है, यानी कि ताकत तो -1 ही रहेगा, ज़र्ब आयोटा तो -आयोटा, ये हमारे पास आंसर है। अब हम करेंगे जोज नंबर 2। तो जोज नंबर 2 हमारे पास है आयोटा की ताकत 50, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयोटा, तो आयोटा की ताकत 50 है, इसलिए आयोटा 2 की ताकत कितना आ जाएगा? 25। 25 ज़र्ब 2 50, तो आयोटा 2 की ताकत क्या आता है हमारे पास? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, इसलिए हम लिखेंगे -1 की ताकत 25। तो ऊपर ताकत ताक है, -1 है, तो -1 जब 25 मरतबा ज़र्ब होगा, -1 ही हमारे पास आंसर आएगा। जोज नंबर 3 अब हम हल करेंगे। तो जोज नंबर 3 है हमारे पास आयोटा की ताकत 12, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा 2 की ताकत 6 लिखेंगे, तो 12 होता है, इसलिए अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास है, -1 की ताकत 6 बन जाएगा, तो ऊपर ताकत जो होता है, इसलिए माइनस प्लस में तब्दील होता है, यानी कि -1 जब 6 मरतबा ज़र्ब होगा तो हमारे पास जमा का 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 1 आंसर आ गया। फिर हमारे पास जोज नंबर 4 होगा, तो जोज नंबर 4 हमारे पास है -आयोटा की ताकत 8, तो ये हमारे पास हम लिखेंगे -आयोटा की ताकत 8 है, इसलिए -आयोटा सारे की ताकत 8। अब यहाँ पे हमल करेंगे, देखिए -1 ज़र्ब आयोटा सब की ताकत 8 लिखेंगे, -1 की ताकत भी 8 है और आयोटा की ताकत भी 8 है। अब -1 की ताकत 8 जो ताकत है, तो इसलिए माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी कि ज़र्ब 1। अब 1 आयोटा 8 है, आयोटा 2 की ताकत 4, अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ऊपर ताकत 4 है, तो ऊपर ताकत आप 4 लिखें। अब 1 ज़र्ब ऊपर ताकत जोफ्त है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 ही आएगा, तो 1 ज़र्ब 1 एक हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास पांचवा जोज होगा, वो है जी -आयोटा की ताकत 5। ये भी उसी तरह जिस तरह हमने चौथा जोज क्या करेंगे, हम लिखेंगे -1 ज़र्ब आयोटा सारे की ताकत 5। इसका मतलब है -1 की ताकत भी 5 है और ज़र्ब आयोटा 5 की ताकत भी, आयोटा की ताकत भी 5, तो -1 की ताकत 5, ताकत -1 आएगा, आयोटा 4 ज़र्ब आयोटा हम लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे -1 ज़र्ब आयोटा 2 की ताकत कितना आ जाएगा? 2 ज़र्ब आयोटा, तो -1 हमारे पास वैसे है, तो -1 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, ऊपर ताकत स्क्वायर लगाएंगे, तो -1 ज़र्ब -1 है, तो ये जमा का 1 बन जाएगा, क्योंकि ताकत जोफ्त है ज़र्ब आयोटा। तो जब -1 आयोटा से ज़र्ब कहेगा और 1 से ज़र्ब होगा, तो हमारे पास -आयोटा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमने जोज नंबर 6 हल करना है। तो जोज नंबर 6 हमारे पास है आयोटा की ताकत 27। तो सबसे पहले हमने जोफ्त में तब्दील करना है, आयोटा की ताकत 26 ज़र्ब आयोटा लिखेंगे। आयोटा 2 की ताकत 13 ज़र्ब आयोटा, तो आयोटा 2 की ताकत -1 होता है, और 13 ज़र्ब आयोटा, तो -1 ज़र्ब आयोटा आएगा, तो -आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा।